आज हम कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंचा। कंचा क्या होती है? कांच की छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो रंग बिरंगी होती हैं, जिनको देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, और कंचों द्वारा खेल भी खेला जाता है। यह कहानी मलयालम भाषा में लिखी हुई है और इसका यहाँ हिंदी अनुवाद दिया गया है। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कंचा नामक कहानी छोटे बच्चों की नादानी को दर्शाती है, उनके भोले मन के बारे में बताती है कि छोटे बच्चों का मन बहुत भोला होता है। जिस काम में वह मन लगा लेते हैं, उनका ध्यान उसी काम की तरफ रहता है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है यह बात उनको पता नहीं होती है। तो यही बात इस कहानी में अप्पू नाम के एक बच्चे के माध्यम से दर्शाई गई है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता चला आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों ओर झूमता खनकता था। तो खनकना क्या होता है? दो चीज़ों के टकराने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है या पैदा होती है, उसको खनकना कहा जाता है। तो यह बात अप्पू के बारे में बताई गई है कि अप्पू नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता हुआ चला आ रहा था, और जब वह मज़े लेकर चल रहा था तो उसका जो बस्ता है, बस्ता यानी स्कूल बैग, हिलते डुलते हुए झूमता खनक रहा था। उसके बैग से आवाज़ आ रही थी। बस्ते में स्लेट कभी छोटी सीसी से टकराती तो कभी पेंसिल से, तो यही आवाज़ बाहर भी सुनाई दे रही थी। यों वे सब उस बस्ते के भीतर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था और न कुछ देख रहा था। मतलब वह उस सियार की कहानी में इतना खोया हुआ था, इतना लीन था कि उसके बस्ते से किस तरह की आवाज़ आ रही है उसको कोई होश नहीं था। ठीक है, उसका सारा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। ठीक है, उसका सारा ध्यान कहाँ लगा हुआ था? वो कहानी सुनने में लीन था, सारा ध्यान वहीं था। कितनी मज़ेदार कहानी कोए और सियार की, क्या सोच रहा था कि कितनी मज़ेदार कहानी है कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ। गाओ ने, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। सियार ने कोए से क्या कहा कि प्यारे कोए, एक गाना गाओ, मैं तुम्हारा गाना गाने के लिए तरस रहा हूँ, तुम कितना मीठा गाते हो। तो कोए ने गाने के लिए जब मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा, और जैसे ही कोए ने अपनी प्रशंसा सुनी और उस तारीफ से वह खुश होकर गाने के लिए उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, तो कोए के मुंह में जो रोटी थी वह ज़मीन पर गिर गई और सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, 9-2-11 होना भाग जाना, उसको उठाकर भाग गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कोआ। ठीक है, फिर उस कहानी को सुनकर वह जोर से हंसा कि बुद्धू कोआ, कि कोआ कितना मूर्ख होता है। ठीक है, और किसी की बातों में आ गया, अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनी और पिघल गया, और अपना जो, लेकिन सियार ने कोए से ऐसा क्यों कहा था? वह रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए उसने ऐसा कहा था। वह चलते चलते दुकान के सामने जा पहुंचा, और कहानी सुनते सुनते वह एक दुकान के सामने जा पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार पंक्ति में रखे हुए थे। पंक्ति क्या होती है? लाइन में, एक लाइन में। तो उसने चलते चलते दुकान में क्या देखा कि वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार एक पंक्ति में रखे हुए थे। उनमें क्या क्या भरी हुई थी उन जारों में? पिपरमेंट, चॉकलेट, बिस्कुट, अनेक अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें उन जार में भरी हुई थी। उसकी नज़र उनमें किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये सब चीज़ें बराबर ला देते थे। ठीक है, तो उसकी नज़र, अप्पू की नज़र उनमें से किसी चीज़ की तरफ नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पिता उसे वो चीज़ें खाने के लिए ला कर देते थे।
फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। आकर्षित क्या होता है? अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना। लेकिन उन्हीं जारों के पास एक नया जार और रखा हुआ था जिसका ध्यान अप्पू ने जिस मतलब उस जार ने अप्पू का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर भी एक वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक और हटाकर उस जार के सामने खड़ा उसे टुकर टुकर ताकता रहा। तो जो उसके कंधे पर बैग लटका हुआ था उसका फीता हटाया और उस जार के सामने वह खड़ा हो गया और उसको लगातार देखने लगा। नया नया लाकर रखा गया है, इससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ कभी नहीं देखी थी। कि अप्पू उस दुकान के आगे से अक्सर जाता था लेकिन आज तक उसने वो जार नहीं देखा था। शायद आज ही लाकर रखा गया होगा। उस पूरे जार में कंचे ही कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। ठीक है, तो कंचे जो यहाँ दिखाए गए हैं फोटो में अलग अलग रंगों के तथा ये बीच में लाइनें होती हैं, इन्हीं को क्या बोला गया है? लकीर वाले। ठीक है, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे किसी बड़े आंवले जैसे कितने खूबसूरत हैं। और उनका आकार कैसा था? आंवले जितना बड़ा। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के भीतर। अब दुकानदार ने उसे दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। जब अप्पू ने कंचों का जार देखा तो ये सारी बातें वह सोच रहा था कि आज तक तो मैंने कभी इस दुकान में कंचे रखे हुए नहीं देखा। फिर उसने अपने मन में ही सोचा कि शायद दुकानदार अब इनको बेचना चाह रहा होगा और उसके पास वो अंदर रखे होंगे। आज उसने ये बाहर लाकर रख दिए। उसके देखते देखते वह जार बड़ा होने लगा, वह आसमान जैसा बड़ा हो गया तो वह भी उसके अंदर आ गया। ठीक है, उस जार को देखकर अप्पू फिर से कल्पनाओं में डूब गया और तरह तरह की बातें सोचने लगा और उसने अपना सारा ध्यान उन कंचों की तरफ लगा दिया। तो वह अपनी कल्पनाओं में खो गया और अपनी कल्पनाओं के कारण उसको वह जार बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। ठीक है, कितना बड़ा? वह आसमान जैसा बड़ा हो गया और जैसे उसको ऐसे लगा कि अप्पू भी उस जार के ही अंदर है, वहां और कोई लड़का तो नहीं था। फिर भी उसे अकेलापन पसंद था, उस जार में अप्पू के अलावा कोई और नहीं था। फिर भी अप्पू को वहां अकेला रहना बहुत पसंद आया। छोटी बहन के सदा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी एक छोटी बहन थी जो मतलब जिसकी मृत्यु हो गई थी किसी कारण से, तो उसकी मृत्यु के बाद अप्पू हमेशा अकेले ही खेलता था, इसलिए उसे अकेलेपन की आदत थी। तो कंचों के जार के अंदर भी वह अपने आप को अकेला मतलब उस कंचों के जार के अंदर भी वह अकेला था, फिर भी उसे अकेलापन पसंद आ रहा था। वह कंचे चारों ओर बिखेरता मज़े में खेलता रहा। ठीक है, तो कंचे के जार के अंदर घुसकर वह कंचों को इधर उधर फेंक फेंक कर खेल रहा था, उनको बिखेर कर। तभी एक आवाज़ आई, तभी उसको ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई दी, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। किसी ने बोला कि लड़के तुम इस जार को नीचे गिरा दोगे, दूर हटो। तो वह चौंक उठा, तो उसको एकदम आश्चर्य हुआ और जार अब छोटा बनता जा रहा था। जार छोटा बनता जा रहा था, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी कल्पना से बाहर आ गया था उस आवाज़ को सुनकर। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे थे। ठीक है, तो कैसे कंचे थे उस छोटे जार में? हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, सफ़ेद और उनके अंदर हरी हरी लकीर खिंची हुई थी और छोटे आंवले जैसी थी। ठीक है, आगे हैं, सिर्फ दो जने वहाँ है। दो जने मतलब दो व्यक्ति वहाँ है, एक अप्पू और एक दुकानदार, एक वह और दूसरा बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। ठीक है, उसको देखकर दुकानदार चिढ़ गया था। मैंने कहा न, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। दुकानदार क्या बोला कि मैंने कहा ना कि तुम जार से दूर हटो, तुम जार को गिरा दोगे, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें निकाल कर दे दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा हो गया। यह सुनकर अप्पू उदास हो गया और दूर जाकर खड़ा हो गया।
फिर दुकानदार ने पूछा, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने कहा, क्या तुम्हें कंचा चाहिए? बार बार कंचा के जार की तरफ देखे जा रहे हो? बूढ़े दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने मना ही में सिर हिलाया। मना ही मतलब निषेध, मना ही का मतलब क्या होता है, निषेध या मना करना, ठीक है। तो जैसे ही दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कंचा नहीं चाहिए। फिर दुकानदार ने कहा, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? उसे खुद पता नहीं है, जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा, ठीक है। कि यह बात तो अप्पू को खुद भी नहीं पता कि क्या उसको कंचे चाहिए थे या नहीं चाहिए थे। कांच के जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले भी सकता था, ठीक है। उसने कंचों को छू कर देखा, लिया होता तो, फिर वह सोचने लगा कि ले लेता तो। इतनी देर में ही स्कूल की घंटी बजी और स्कूल की घंटी सुनते ही वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने स्कूल की घंटी सुनी तो उसको याद आया कि तुम्हें तो स्कूल में जाना है, और वह अपने बस्ते को थाम कर स्कूल के लिए भाग गया। देर से जाने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबसे बाद में पहुंचा था, तो कक्षा में जो लेट पहुंचता है, जो देरी से पहुंचता है, उसको पिछला बेंच बैठने के लिए मिलता है। इसीलिए अप्पू को भी पिछले वाला बेंच मिला, इसलिए वह जाकर चुपचाप पिछले वाली बेंच पर, मेज पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं, रामन अगली बेंच पर है। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और रामन नाम का एक लड़का है, वह अप्पू से अगली वाली बेंच पर था। वह रोज़ वक्त पर आता है, रोज़ वक्त मतलब समय पर स्कूल आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के पीछे अम्मू बैठी थी, और जो तीसरी बेंच थी उस लाइन के, उसके आखिर में मल्लिका बैठी हुई थी और मल्लिका के पीछे अम्मू नाम की लड़की बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, ये उसकी कक्षा के बच्चे हैं। उन बच्चों में से अप्पू को जॉर्ज दिखाई नहीं दिया। लड़कों में जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। वह जॉर्ज को क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि सुबह अप्पू ने आते हुए कंचों को देखा था, और जॉर्ज कंचों का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। चाहे कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात जरूर खाएगा, मात जरूर खाएगा। मात खाना मतलब हार जाएगा। कि कितना भी बड़ा लड़का अप्पू के साथ, सॉरी जॉर्ज के साथ खेले, जॉर्ज उसको हरा ही देता था। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, और जब वह लड़का हार जाता तो उसको ऐसे ही जाने नहीं देता था। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज अपना कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा, ठीक है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? उसने बच्चों से पूछा कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, तो बच्चों ने बताया कि जॉर्ज को तो बुखार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। उसे रामन ने बताया। किसने बताया उसको? रामन ने बताया। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में आता है, ठीक है। जो रामन को ये सब बातें क्यों पता थी? क्योंकि जहाँ से जॉर्ज स्कूल में आता था उसी रास्ते में जॉर्ज रामन स्कूल आता था, उसी रास्ते में जॉर्ज का घर भी था। अप्पू कक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब अप्पू कक्षा में तो बैठा है लेकिन मास्टर जी जो पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ अप्पू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वह कंचों के बारे में ही सोच रहा है। मास्टर जी कहते हैं, उसने हड़बड़ी में किताब खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, मतलब मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे और रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, और जब मास्टर जी कक्षा में आए तो अप्पू ने हड़बड़ी में आकर अपनी किताब खोलकर सामने रख ली। तो मास्टर जी ने कहा, रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37, पृष्ठ नंबर, पेज नंबर कौन सा था? 37। घर पर उसने यह पाठ पूरा पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज को ठोकते हुए ऊंचे स्वर में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कईयों ने रेलगाड़ी देखी होगी। तो मास्टर जी पाठ पढ़ाते हुए बीच बीच में मेज पर अपनी बेंत को जोर जोर से बजा रहे थे।
या ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि बच्चों तुम में से कईयों ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। उस रेलगाड़ी को क्या कहा जाता है? भाप की गाड़ी। भाप से चलने वाली वो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, क्योंकि इसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। और भाप का मतलब क्या होता है? गर्म पानी से निकलती भाप। जब हम पानी गर्म करते हैं और उससे भाप निकलती है, तो ऐसी ही भाप से वह रेलगाड़ी भी चलती है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने भी रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है, पर वह भाप की भी गाड़ी का मतलब नहीं समझ पाया। उसने रेलगाड़ी तो देखी थी अप्पू ने, लेकिन भाप से चलने वाली रेलगाड़ी होती है इसका मतलब वह नहीं समझ पाया। मास्टर जी की आवाज़ अब थोड़ी कम ऊँची थी, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में बराबर समझा रहे थे। ठीक है, अब अप्पू फिर से अपनी कहानी के अंदर इतना खो गया कि धीरे धीरे उसको मास्टर जी की आवाज़ भी कम सुनाई देने लगी। मास्टर जी रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में बच्चों को समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पीपा होता है। बॉयलर किसकी तरह होता है? लोहे के एक बड़े पीपे की तरह होता है। मास्टर जी ने ये कक्षा में बच्चों को पढ़ाया था। लोहे का एक बड़ा कांच का जार और उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब ठीक होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। ये सारी बातें कौन सोच रहा था? अप्पू सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े गोल कंचे सफ़ेद कितने सुंदर थे, जो आंवले जैसे आकार के थे, और जब जॉर्ज ठीक होकर आ जाएगा तो तब वह उससे कहेगा कि हम दोनों मिलकर उसको लेकर आएंगे। उस वक्त जॉर्ज कितना खुश होगा। जब मैं यह बात जॉर्ज को बताऊंगा तो उस वक्त जॉर्ज बहुत खुश हो जाएगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और उन कंचों से वे दोनों खेलेंगे और किसी को भी अपने साथ खेलने नहीं देंगे और बच्चों को अपने साथ नहीं खिलाएंगे। उसके चेहरे पर चौक का एक टुकड़ा आकर गिरा। अप्पू यह बातें सोच ही रहा था कि इतनी देर में उसके चेहरे पर चौक का एक टुकड़ा आकर गिरता है। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ पहले भी यह घटना हो चुकी थी, इसी कारण वह जल्दी से खड़ा हो गया और क्या देखा कि मास्टर जी गुस्से में है। ठीक है, मास्टर जी ने अप्पू को बैठा हुआ देख लिया था कि उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है, तो मास्टर जी गुस्सा हो जाते हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? और मास्टर जी उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ उधर क्या कर रहे हो? उसका दम घुट रहा था, बोल। वह चुपचाप खड़ा रहा। मास्टर जी के से वह डर गया और कुछ बोल नहीं पाया, वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर मास्टर जी ने पूछा क्या नहीं बोलेगा? फिर वो अप्पू के पास पहुंच जाते हैं। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी ओर देख रही थी। मास्टर जी को गुस्से में देखकर कक्षा के सारे बच्चे चुप हो गए और सांस रोककर अप्पू की तरफ देख रहे थे। तो यह देखकर अप्पू की घबराहट और बढ़ गई। बोल, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने पूछा कि तुम बताओ, कक्षा में बैठे थे तो मैंने क्या पढ़ाया है उसके बारे में बताओ। कर्मठ मास्टर जी। कर्मठ क्या होता है? कठोर परिश्रम करने वाला, परिश्रमी व्यक्ति। ठीक है, तो मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर तुरंत समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। तो मास्टर जी उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गए कि इसने अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में कुछ नहीं है, इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। शायद उसने इस पाठ पर ध्यान दिया भी हो। यदि दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, बस उसी में उसकी सफलता है। कि मास्टर जी सोच रहे थे कि अगर इसने यह पाठ ध्यान से पढ़ा है और अगर मैंने कुछ पूछा तो यह जवाब देगा। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने कहा कि हाँ हाँ तुम जवाब बताओ, डरो मत। मास्टर जी ने देखा कि अप्पू की जबान पर जवाब था। वह थोड़ा कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा, वे शक पका गए। शक पका गए मतलब हैरान हो गए, चुप हो गए। जब मास्टर जी ने पूछा कि मैं कक्षा में क्या पाठ पढ़ा रहा था तो अप्पू ने जवाब दिया, कंचा, जबकि मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे।